हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में द फेवरेट स्टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि यस बैंक ने आज अपर सर्किट मारा हुआ है। इसके पीछे जो है प्रमोटर्स जो है उनका क्या खेल चल रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। साथ ही में इसकी पूरी स्टोरी मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ, किस तरीके से ये स्टॉक डाउन गया और अभी ये अपर सर्किट मार रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, पूरा खेल समझेंगे हम वन बाय वन। और अभी लेटेस्ट न्यूज भी इसमें आई हुई है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार एक रिटेल जो इन्वेस्टर होता है वो किस तरह एक बड़े से जाल में फंस जाता है। अभी लेटेस्ट में चार्ट पैटर्न क्या चल रहा है उसको भी समझेंगे, क्या ये शेयर आने वाले में लगातार अपर सर्किट मारेगा इसको भी हम जानेंगे, क्या टारगेट प्राइस है और क्या इसे होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं। अभी ये सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कल की खबर सुनाने वाला हूं। देखिए यहां पर कल की क्या न्यूज आई थी, आप सभी डेफिनेटली मोदीज को जानते ही होंगे कि ये अच्छा खासा एक फर्म है, एक रेपुटेटेड एक ये फर्म है। उन्होंने इस पे अपनी रेटिंग को इंक्रीज किया है, अपग्रेड किया है इन्होंने अपनी रेटिंग को, आप यहाँ पर देख सकते हो राइट। और ये अभी हाल ही कल की बात है और आप कल से ही इस स्टॉक को लगातार ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जो रेटिंग है इसको इंक्रीज कर दिया है, ये बड़ी बात है। तो अभी हम इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद दोस्तों न्यूज आई है 5th of August और आज यहां पर क्या न्यूज आई है दोस्तों कि LIC ने क्या किया है। दोस्तों LIC ने जो है अपने स्टैक को उसमें इंक्रीज किया हुआ है और इसीलिए हमको आज भी इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है इस स्टॉक में। पूरी खबर क्या हम देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब LIC ने LIC हैज इंक्रीज इट्स स्टैक इन प्राइवेट लैंडर यस बैंक टू 4.9%, जिसके कारण हमको देखने को मिला है कि यस बैंक में एक अच्छी खासी उछाल देखने मिली है। और ये कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था कि मोदी जो है उन्होंने अपना एक अच्छा खासा रेटिंग को इंक्रीज किया है, अपग्रेड किया है, जिसके कारण अभी शुरुआती दौर पर हमको दिख रहा है कि LIC ने भी उस पर अच्छा खासा अपना एक स्टैक को इंक्रीज किया है। और ये दोस्तों मेरा ओपिनियन है कि ये बस एक शुरुआत है, धीरे धीरे आपको यहां पर एक अच्छी खासी उछाल देखने को आगे भी मिलने वाली है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको पूरा भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से नीचे भी आया था और क्यों ये ऊपर जाएगा, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों मैं आ गया हूं NSE की साइट पर, आप यहां पर देख सकते हो। और यहां पर आज की जरा मैं प्राइस एक्शन की बात कर लेना चाहता हूं आपसे। ये स्टॉक आज ओपन हुआ था 12.25 रुपए के आसपास, आप देख सकते हो यहां पर, और इसने हाई बनाया 12.85 रुपए में और साथ में क्लोजिंग भी दिया इसने 12.85 रुपए में। टोटल अगर हम देखें तो 4.90% की इसमें उछाल देखने को मिली है अपर सर्किट लगाने के बाद ये क्लोज हुआ है। पिछले दिन का भी अगर आप देखोगे तो 12.25 रुपए में ये ओपन हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो आप। और आज का ओपन प्राइस भी मतलब प्रीवियस डे को ये क्लोज हुआ 12.25 रुपए में और 5 अगस्त को मतलब बुधवार को ये ओपन हुआ है सेम प्राइस मतलब 12.25 रुपए में, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला हुआ है। चलिए थोड़ी सी इसकी डिलीवरी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आज कुल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 37 करोड़ से ज्यादा की क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड होती दिखाई दे रही है। और साथ ही में इसमें से 15 करोड़ के आसपास जो शेयर हैं वो हमको डिलीवरी में उठाते हुए नजर आए हैं। टोटल ये 41.70% होता है। अगर आप थोड़ा सा भी शेयर मार्केट को जानते हैं और समझते हैं तो आप समझ पाएंगे कि 41% डिलीवरी एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ये लगातार अपर सर्किट क्यों मार रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है। और ये अभी कुछ दिनों पहले ही जो ऐसा डाउन गया था जहां पर हमको डायरेक्टली फॉल देखने को मिला था वो क्यों हुआ था, चलिए हम उसके पीछे के रीजन भी जान लेते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने यस बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है और ये चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है मार्च से। और मार्च में आप देख सकते हो कि 18 मार्च को इसने अच्छा खासा हाई बनाया था और ये हाई आप जानते हैं कितने का था, और ये हाई था 87.30 का। उसके बाद यहां पर हमको एक शार्प फॉल देखने को मिला जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद यहां पर अप्रैल से लेके 8 जुलाई तक हमको ये शेयर कंसोलिडेट होती है दिखाई देता है 20 रुपए से लेके
₹30 तक के बीच के रेंज में हमको ये शेयर चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद 9 जुलाई को एक बड़ी न्यूज आती है यस बैंक के ऊपर और वहां से पूरा खेल अलग ही लेवल का हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि यस बैंक का फॉल कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या चीजें हुई थी, फिर उसके बाद में अच्छा खासा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला गवर्नमेंट से, SBI ने, बहुत सारे बैंकों ने उस पर इन्वेस्ट किया, तभी हमको ये शेयर यहाँ पर चढ़ते हुआ दिखाई दिया था। लेकिन 9 जुलाई को अभी क्या हुआ, हम इस चीज को समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने 9 जुलाई से ये चार्ट लगा दिया है और आप देख सकते हो कि 9 जुलाई पे ये शेयर जो था वो तकरीबन 26-27 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन 9 जुलाई को यस बैंक की तरफ से एक न्यूज आती है और वो ये कहते हैं कि हम यस बैंक का FPO लॉन्च करेंगे। ठीक है, यहां पर भी एक अच्छी खबर थी है, 9 जुलाई को ये ट्रेड उतने में ही रहता है, कुछ भी इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन मेन गिरावट हमको कब देखने मिलती है, 10 जुलाई को। ये जो आप कैंडल दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ये जो कैंडल है ये 10 जुलाई की कैंडल है और यहाँ पर हमको खबर सुनने मिलती है कि इसका जो FPO है वो 12 से 13 की रेंज में आएगा। और इस न्यूज के आने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंटिन्यूसली केवल फॉल देखने को हमको मिला। और जाहिर सी बात है, जितने भी इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी फंसे हुए थे, मैं कहना चाहूंगा जो जिन्होंने ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ था, वो अब इस पर रह के क्या करेंगे। जब FPO इसका 12 से 13 रुपए के बीच में आएगा और जिसने ऑलरेडी 26 से 27 रुपए के बीच में शेयर लिया हुआ है वो क्या करेगा बताइए आप, वो तो अपने शेयर निकालेगा ही। और इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन जो है वो बड़े बड़े जितने प्रमोटर है, जितने बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर है, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया, इतनी ज्यादा सेलिंग चालू कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा रिटेल इन्वेस्टर को फील होने लगा कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और इसी तरीके से जितने भी रिटेल इन्वेस्टर थे वो अपना शेयर यहाँ पर बेचना चालू कर दी, उन्होंने अपनी सेलिंग चालू कर दी। और जब ये FPO लॉन्च भी हुआ उसके बाद भी ये करीब करीब, आप सभी जानते हैं, FPO लॉन्च होने के बाद भी 28 जुलाई को ये कैंडल देख पा रहे होंगे, 28 जुलाई को इसने ₹11.10 का लो बनाया। समझ रहे हैं आप। अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, जो इसका FPO आया था वहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर था उसके तरफ से ये FPO जो उनको क्वांटिटी दी गई थी वो हाफ भी सब्सक्राइब नहीं हुई थी, मतलब आधा भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया था ये FPO रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर की, तो इनकी तरफ से ये जो शेयर था वो टू टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। देखिए, अभी एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो कितना जानता है शेयर मार्केट के बारे में, उसको लगता है कि अगर शेयर फॉल आ रहा है तो मैं यहां से निकल जाता हूं, मैं क्यों लॉस उठाऊं। लेकिन जो पीछे के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, ये सभी खेल को जानते हैं और वो जानते थे इस चीज को कि अगर यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट की जाए तो डेफिनेटली आगे जाकर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर के पास में यस बैंक का बहुत कम क्वांटिटी अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो है वो प्रमोटर दबाकर बैठ चुके हैं। दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में यस बैंक के शेयर हैं तो उसको बेचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आने वाले कुछ समय में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। ऑलरेडी हमको इसके प्रॉफिट की शुरुआत दिखने लगी है और अभी ये शेयर ऐसे ही ऊपर जाता हुआ हमको दिखाई देने वाला है। चलिए मैं अगले चार्ट की तरफ आपको ले चलता हूं और वहां पर आपको दिखाता हूं कि आखिरकार जो हमारे इंडिकेटर्स है वो क्या स्टोरी बता रहे हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों, मैंने आपके सामने चार्ट ओपन कर लिया है और यहां पर मैंने बॉलिंजर बैंड को इंक्लूड किया हुआ है, आप सभी जानते हैं, RSI को किया हुआ है और प्लस MACD को किया हुआ है। ये तीनों इंडिकेटर शानदार है दोस्तों। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज एक्चुअली में चाहिए है तो इन तीनों वीडियो को आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी इनके बारे में दिए हुए हैं, जाइए और वॉच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं MACD की। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बेहतरीन सा क्रॉसओवर होने वाला है। आप सभी जानते हो कि रेड वाली जो लाइन होती है वो सिग्नल लाइन होती है और जो ब्लू लाइन होती है वो MACD लाइन होती है और वो जस्ट इसको क्रॉस करने वाली है और एक बुलिश साइन हमको देने ही वाली है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है टेक्निकल वे में भी, फंडामेंटल तो मैं बात बोली चुका हूँ सारी बातें आपको, न्यूज बता चुका हूँ आपको, प्रमोटर का खेल बता चुका हूँ आपको, और साथ ही में टेक्निकल भी
आप यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई देने वाली है। आरएसआई की अगर मैं बात करूं तो आरएसआई बहुत ज्यादा वीक है। हम सभी जानते हैं कि अगर 30 के पास अगर ये शेयर होता है तो ये वीक है, लेकिन अभी एक अराउंड चल रहा है 21 के आसपास। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है और यहां से अब नीचे जाने की और गुंजाइश नहीं बची है। और अगर आप इसका शेप देखोगे तो ये ऑलरेडी एक कर्व बना चुका है और अभी इसने मूवमेंट ऊपर की तरफ अपना लेना चालू कर दिया है। थर्ड में बात करना चाहता हूं बॉलिंजर बैंड के बारे में। आप यहां पर देख सकते हो कि इसने सपोर्ट में यहां पर टच किया, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और सपोर्ट में टच करने के बाद में नाउ इट इज इंक्रीजिंग अपर साइड स्लाइटली, यहां पर ये ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमको यहां पर टेक्निकल जो इंडिकेटर है वो यही साइन दे रहे हैं कि यहां पर हमको कहीं ना कहीं पे इस शेयर को बाय करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी हमने बाय किया हुआ है तो हमें यहां पर इसको होल्ड करना चाहिए और होल्डिंग के साथ यहां पर अपने आप को बरकरार रखना चाहिए। दोस्तों हमको यहां पर अभी अच्छी खासी अप मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। अपर सर्किट की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, न्यूज पॉजिटिव आ रही है, टेक्निकल इंडिकेटर्स हमको अच्छा साइन दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी यहां से आपको ये शेयर ऊपर ज्यादा दिखाई देना चाहिए। बाकी आपकी क्या इसके बारे में राय है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।